एक बच्चे ने 160 क्वेश्चन किया और मात्र उसको 490 नंबर आया, दूसरे बच्चे ने 150 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन उसको नंबर 575 आया और इसको झारखंड स्टेट बोर्ड में कॉलेज मिल गया डीएमसीएस धनबाद। अब बताओ कौन सा स्टूडेंट ज्यादा बेहतर हुआ, क्या ज्यादा क्वेश्चन करके आने वाला या कम क्वेश्चन करके आने वाला? बस कम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चल रहा, आपको पता नहीं चल रहा कैसे मैनेज करना है सारी चीजों को, तो फिर आप लैग करोगे। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं, वेब पैट टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप 110% आप अपनी जो मार्क्स है वो डबल तक इम्प्रूव कर सकते हो। आप कितनी बुक पढ़ सकते हो आप ही मुझे बताओ, आप कितनी बुक पढ़ पाओगे? हर बुक के ऑथर का वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है। स्टार्ट कर चुके हो तो क्या चाहते हो आप? मैं आपको एक स्टडी प्लान बना के दो महीने का, या फिर दो महीने की स्ट्रैटेजी बना करके दो, जैसे कि आपको कोचिंग वाले करते हैं? बिल्कुल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। नीट 2021 की फॉर्म निकल चुकी है, अब तो शायद आप जाग चुके होंगे और बिल्कुल से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हो। तो क्या चाहते हो आप? मैं आपको एक स्टडी प्लान बना के दो महीने का, या फिर दो महीने की स्ट्रैटेजी बना करके दो, जैसे कि आपको कोचिंग वाले करते हैं? बिल्कुल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, ना मैं आपको कोई एक स्टडी प्लान देने वाला हूं कि आप डे वन डे टू डे थ्री ये करना है वो करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो बातें हैं फैक्ट बताने वाला हूं, ना मेरी कोई कोचिंग चलती कि मैं आपको वो सेल करूं या फिर मैं अपना कोई टेस्ट सीरीज या कोई भी चीज बेचने के लिए आया हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट जो एक स्टूडेंट से जुड़ी बातें हैं, जो आपको जानना है अगर आप रियली में नीट के लिए एकदम मतलब नीट को क्वालिफाई करना ही करना है, मतलब नीट इस बार चाहिए ही चाहिए, 650 प्लस का टारगेट कर रहे हो, और अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन में अभी भी ढीली चल रही है, आपकी प्रिपरेशन ढीली चल रही है, अगर अभी आप 12 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है, 12 सितंबर आने में अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बचे हुए हैं, तो लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको 2 महीने में नीट को क्रैक करने के लिए बिल्कुल 650 प्लस यू कैन, हर वो एवरेज स्टूडेंट 650 ला सकता अगर वो स्ट्रैटेजी वाइज चले। मैं आपको कोई भी यहां पर प्री प्लान स्टडी प्लान ये सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं, सिंपल सी टेक्निक बताने वाला हूं जिसको सारे लोगों ने अपने टाइम पे फॉलो करा है और बिल्कुल से बेसिक चीजें हैं, बट ये बेसिक चीजें आप मिस कर जाते हो। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं, वेब पैट टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप 110% आप अपनी जो मार्क्स है वो डबल तक इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको 380-400 तक आ रहे हैं ना, या तो आप आराम से 650-660 तक पहुंच सकते हो इन आने वाले 2 महीनों में, लेकिन अगर आपको इसको फॉलो करना होगा प्रॉपरली। अब आप सोचो कि यार मैं कौन हूं, मेरा तो कोई रिनाउंड नेम नहीं है, बस अमन सरन अकेडमी पढ़ाते थे उसके बाद अपनी कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, राइट? तो बिल्कुल नहीं, मैं कौन हूं भूल जाओ, कौन आपको बता रहा है भूल जाओ, जो चीजें बताई जा रही है वो सुनो, अगर पसंद आता हो, अगर आपको लगता हो यस फॉलो करनी चाहिए देन फॉलो करो, अदरवाइज छोड़ सकते हो आप, आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल से आपके बेसिक तौर पर सोच करके बनाया गया है, जिसमें कि आप अपने बेसिक्स को भी कवर करके चल सकते हो, साथ में एडवांस चीजें या फिर नीट को क्रैक करने के लिए स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। हार्ड वर्क हर कोई करता है, क्या हर हार्ड वर्क करने वाला बच्चा नीट क्वालिफाई करता है? बिल्कुल नहीं। अब जाकर के देखोगे कितने सारे बच्चे हैं जो स्मार्ट वर्क्स करके बोर्ड एग्जाम्स में 65-75-80% ला करके भी नीट में टॉप 10 टॉप 20 टॉप 100 रैंक में स्कोर करते हैं। सो दिस इज द थिंग, आप वहां पर आती है आपकी एग्जीक्यूशन, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, आप क्या प्लान बनाते हो, आप स्टडी का क्या करते हो। अगर कोई आपको बना बनाया प्लान दे देता है तो आप फिर क्या करोगे, आप उस जगह क्या कह सकते हो, एक तरह से आप मतलब बिल्कुल से फ्लैट हो जाते हो, आपको बनी बनाई चीजें लेने की आदत हो जाती है, आपको किसी ने बता दिया डे वन डे टू ये प्लान कर लो ये पढ़ लो, भाई हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे का पिक करने का जो कैपेसिटी है वो अलग है, हर बच्चे को वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, वो कितने घंटे पढ़ाई को दे सकता है, वे ऑफ गिविंग टाइम, वे ऑफ एवरीथिंग इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ करके भी वो 8 घंटे की जो अदर बच्चा 8 घंटे पढ़ाई करता है उतना कैपेसिटी है वो मेमोराइज कर सकता है वो सिर्फ 4 घंटे में, कोई बच्चा उस 4 घंटे के कंटेंट को 12 घंटे भी लगा सकता है समझने में, कुछ बच्चे तुरंत समझ करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ बच्चों को बार बार रिविजन करते रहना पड़ता है, सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई एक स्टडी प्लान बनाकर आपको लास्ट 2 मंथ की स्ट्रैटेजी दे दूं, लेकिन हाँ जो चीज आपको पॉसिबल कर सकती है, जो चीज आपको करनी है वो है आपको ये टेक्निक, ये मेथड आपको बताएगी कि कैसे आप खुद के लिए स्टडी प्लान बनाओगे आज के आज इस वीडियो को देखने के बाद। और एक चीज बता दो गाइस, जो नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कट ऑफ हो गया, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप ntexamresults.com गूगल पर सर्च करके जाओ और वहां पर कैटेगरी देखो नीट 2021
या फिर नीट कैटेगरी सेलेक्ट करो, सारी चीजें वहां मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर, कट ऑफ क्या गई थी 2019 की 2020 की। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड देखो यार समझाता हूं मैं बेसिकली वेब पैड टेक्निक है क्या। जैसे कि मैंने बोला ये सिर्फ आपके लिए है, आपको इस चीजों को समझ करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, अपने नीट एग्जाम के लिए इंप्लीमेंट करना है, तभी आप बेहतर कर पाओगे। और ये चीज कभी मत सोचना अगर कोई कहता है यार कि आपके 450 आ रहे हैं अब तो नीट नहीं निकाल सकते हो, अभी भी 2 महीने हैं, उनको जवाब दो, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटली स्ट्रांग रहो, राइट। इस कोविड के टाइम आपने देखा होगा काफी लोगों ने काफी चीज सफर की है, मैं भी कोविड से सफर कर रहा था, मैं काफी मेंटली वीक हो गया था, बट बाद में मुझे फैमिली सपोर्ट मिला, तब मैं समझा यार कि मेंटली स्ट्रांग होना कितनी जरूरत की चीज है। लाइक आपको इश्यूज नहीं होते फिर भी आप मेंटली अगर वीक पड़ते होता तो आप उस चीज को करने के लिए जो एनर्जी होता है ना वो बिल्कुल से डिक्रीज हो जाता है, आपको ठीक होने की चाह होगी वो बहुत घट जाएगी, आप बहुत डिमोटिवेटेड, आप बहुत डिप्रेस्ड रहने लगोगे। उसी तरीके से स्टडीज के अंदर अगर आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है वो आग आपके अंदर होनी चाहिए, भले आपके 300 क्यों ना आ रहे हो, आप बिल्कुल से 560-600 प्लस पहुंच सकते हो, नहीं ऑल इंडिया लेवल पे तो अपने स्टेट कोटाज में तो आप सीट सिक्योर कर ही सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्यों आपको ये डिमोटिवेशन आता है, अभी आपके पास 2 मंथ है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म निकाला और आपको सिर्फ 30 डेज 25 डेज, 2 मंथ 60 डेज। इफ यू गिव ऑन एन एवरेज अगर आप पर डे 8 से 10 घंटे देते हो ना, इट्स अ गारंटी गाइज, इट्स अ गारंटी यू विल बी क्वालिफाइंग नीट 2021। आप इसी चैनल के कमेंट्स में आकर के मुझे बताना अगर ऐसा नहीं होता, बट यस उस चीज को करने के लिए बच्चों आपको डेडिकेटली आपको पूरे डेडिकेशन के साथ उसको देना होगा। तो चलो वो समझते हैं यार इस वेब पैड टेक्निक का मेथड क्या, डब्ल्यू से मैं क्या कहना चाहता हूं, फाइंड वीकनेस। ये जो बहुत कम लोग करते हैं यार, शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी और से आप नहीं, आप खुद को फेस कर रहे हो, राइट। अपनी वीकनेस देखो, आप कहां वीक पड़ रहे हो, क्या आपसे रियली में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, आपसे जो चीजें हैं वो किस जगह आप वीक हो, क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम से जो प्रैक्टिस टेस्ट में आपके 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, या फिर आपका फिजिक्स काफी वीक हो रहा है, या फिर आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप कंसेप्ट नहीं आपका है, आपकी क्या वीकनेस है उसको पहचानो पहली बात, ठीक है। अगर आप वीकनेसेस को इग्नोर करोगे ना तो ये वीकनेसेस आपको आगे चल करके बहुत इश्यूज क्रिएट करेंगी और ये वीकनेस आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी 2 मंथ के स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर जो आपका पहला पार्ट है वीकनेस, फाइंड योर वीकनेस एंड वर्क ऑन दैट। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई टीचर कोई मेंटर कुछ नहीं करेगा यार, वीकनेस आपको बेहतर आपकी पता है, ऑनलाइन कोई आपको पढ़ा रहा है या फिर आप 2 घंटे के लिए कोई आपको टीचर गाइड कर रहा है, तो वो आपकी 24 आवर आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप जब पढ़ते हो पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करते हो क्या वीकनेस आपके पॉइंट्स हैं, क्या आप पढ़ने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, क्या आप मेंटली वीक हो रहे हो, या फिर आप चीजों को लेकर के घबरा जाते हो एग्जाम से पहले, या फिर आप कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, ऊपर ऊपर से आपकी चीजें थ्योरी तो हो रही है बट आप कंसेप्चुअली वीक होते चले जा रहे हो, एग्जैक्ट वीकनेस क्या, कमी क्या है खुद में वो पहचानो, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज। दूसरा एनालिसिस, ठीक है, ऑफ एग्जाम, अरे जो एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, आप क्या देने जा रहे हो, आप नीट देने जा रहे हो, राइट। तो एनालाइज नीट, नीट का पैटर्न देखो, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स का पैटर्न देखो, कितना 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक तो हर स्टूडेंट के पास होगा, पैटर्न देखो, पैटर्न के बाद देखो यार किस चैप्टर्स में वेटेज क्या, चैप्टर की वेटेज क्या है ये एनालाइज करो, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस लेवल देखो, क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं देखो, राइट, जिससे कि आपको एनालिसिस मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको पहले अपन कंप्लीट करेंगे, इक्विलिब्रियम पहले करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन आता है नहीं भी आता उसको लास्ट में देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और क्वेश्चंस भी उतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स उसको बाद में करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इजी है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पहले करेंगे। तो ये एनालिसिस कौन करेगा गाइस, ये एनालिसिस आप करोगे, राइट।
ये एनालिसिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एनालिसिस अगर कोई आपको बना बनाया देता है ना, तो आप बुक नहीं पलटोगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे, जब तक ये नहीं करोगे, अगर आपके कोचिंग में आपके मेंटोर ने आपको चार चैप्टर बता दिया या आपके वेटेज के डिफरेंस जो भी बाइफर्केशन है वो बता दिया, बट स्टिल आप जब पढ़ोगे ना, तो किस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, मूल कंसेप्ट में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट right? तो ये सारी चीजें आप कैसे समझोगे? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है गाइस, एनालिसिस करना किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। तो पहला वीकनेस अपनी फाइंड करो, डब्ल्यू ए फॉर एनालिसिस ऑफ दैट एग्जाम, ठीक है, एनालिसिस करो। एंड नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बी। बी क्या रेफर करता है बच्चों? बी रेफर करता है बुक्स, मटेरियल्स दैट यू आर फॉलोइंग, राइट, जो स्टडी मटेरियल, जो बुक आप फॉलो कर रहे हो, बहुत जरूरी है यार। समझो एनसीईआरटी प्लस, ध्यान से समझो, प्रैक्टिस बुक प्लस वन मटेरियल। अब वो किसी भी कोचिंग का हो सकता है, एनी कोचिंग जो भी आप कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी कोई बुक है, मार्केट की कोई बुक है, कुछ भी, कोई भी, और एनी स्टडी मटेरियल, एनी स्टडी मटेरियल यू हैव, डजेंट मैटर, राइट, डजेंट मैटर। बट ये तीन चीज के अलावा आपको रखनी है। अब काफी स्टूडेंट क्या होते हैं, एलएन का रख लेंगे, रेजोनेंस का रख लेंगे, आकाश का भी ले लेंगे, उनकी ऑफलाइन कोचिंग का भी है, प्रदीप भी रखेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का ओपी टंडन सर का भी है, अरस अग्रवाल का भी बुक रख रखा है आपने, और भी बहुत सारे बुक है, साथ में एनसीईआरटी भी है। भाई वन सेकेंड, आप कितनी बुक पढ़ सकते हो, आप ही मुझे बताओ, आप कितनी बुक पढ़ पाओगे? हर बुक के ऑथर का वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है, चीजें सेम होंगी, वेंडर वॉल कोफिशियंट समझाने का तरीका एक होगा, वेंडर वॉल कोफिशियंट समझाने का कंसेप्ट एक होगा, लेकिन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट विल बी डिफरेंट। आप कंफ्यूज हो जाओगे एट द एंड ऑफ डे, आपको बाद में फिर होगा कि मैंने वहां ये पढ़ा था, यहां पर ये लिखा है, साइन डिनोशंस, ठीक है, हर चीज में डिफरेंस आएगा, अलग अलग बुक फॉलो करोगे अलग अलग चीजें आएंगी। तो क्यों इतनी चक्कर में आप पढ़ते हो? और एग्जाम से पहले तो गलती से भी ये गलती नहीं करना, आप वेरी प्रिसाइज अपने बुक्स, अपने मटेरियल के साथ काफी प्रिसाइज और एक्यूरेट रहो यार, काफी ज्यादा, मतलब आपको फोकस रखना है कि मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक हो, एक ऐसी बुक हो जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाऊं, लगा पाऊं, एंड थर्ड आपको किसी कोचिंग स्टडी मटेरियल है, या फिर थर्ड पार्टी की कोई बुक है, या फिर कोई भी आप कोचिंग की मटेरियल रखो, जो भी चीजें हैं, प्रॉपर एक एनसीईआरटी, एक उसका सप्लीमेंट्री बुक या स्टडी मटेरियल, और एक क्वेश्चन बैंक, या फिर आप कह लो प्रैक्टिस बुक। दिस इज इनफ फॉर नीट एस्पिरेंट्स। इतने में आप यार 650 निकाल लोगे, क्योंकि यहां पर देखो एनसीईआरटी की आपको सपोर्ट मिल रही है, प्रैक्टिस बुक और स्टडी मटेरियल कोचिंग में यार, तो आपके जितने भी साइड बुक्स हैं उससे तो बेहतर ही कंटेंट आपको मिल जाता है, एंड 90% लोग फॉलो करते ही करते हैं, सेकंड हैंड भी आपको मिलती है काफी सारे कोचिंग्स की स्टडी मटेरियल्स, दैट डजंट मैटर। तो बिल्कुल से आपको बी पर भी ध्यान रखना है। सो इट इज क्लियर, एनालाइज योरसेल्फ, एनालाइज योरसेल्फ एंड फाइंड योर वीकनेस, देन एनालाइज अबाउट द एग्जाम। 2 महीने है ना मेरे पास, 2 महीने हैं, 60 days हैं, मेरे पास ये चैप्टर्स हैं, मेरे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मेरे ये वीक टॉपिक्स हैं, इन वीक टॉपिक्स को स्टार्टिंग 30 days में करूंगा, नेक्स्ट 20 days में स्ट्रॉन्ग टॉपिक करूंगा, और लास्ट 10 दिनों में जो चैप्टर्स के मैक्सिमम मार्क्स है ना, फिजिक्स के 6-7 चैप्टर, केमिस्ट्री के 6-7, बायोलॉजी के 5-6 यूनिट्स, उन सबको 10 दिनों में रिवाइज करूंगा। प्रत्येक दिन मैं 3 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, 7 घंटे थ्योरेटिकल या 8 घंटे थ्योरेटिकल पोर्शंस पे फोकस करूंगा, 10 से 12 घंटे मैं पढ़ूंगा। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाओ, तो एनालाइज करो, एंड थर्ड बुक की मैंने बता दिया आपको क्या बुक्स में आपको ध्यान रखना है, बुक की सेलेक्शन कैसी होनी चाहिए, अदरवाइज आप पंगे में फंस जाओगे और आप बुक्स ही देखते रह जाओगे। बच्चों बता देता हूं यार, आप पूछ लेना, कोई भी ऐसा नहीं करता, आपके पास है ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं है तो दे आओ कहीं पर, बट ट्राई टू सेलेक्ट देम, बी सेलेक्टिव एंड फोकस ऑन दैट, ऑलराइट, सेलेक्ट करो और उस पे फोकस रखो, क्या जरूरत है आपको इधर उधर भटकने की, कितना आप भटकोगे, राइट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा पी, क्या है पी, प्रैक्टिस मैक्सिमम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
जहां पर मैक्सिमम बच्चे चूक जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। आप पढ़ लेते हो सारी चीजें, मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे सब पता है, लेकिन उसका ड्रॉबैक आपको नहीं पता होता है। मैं बता देता हूं, एग्जाम में क्या होता है ना, आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चंस छूट जाएंगे, क्वेश्चंस लेफ्ट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा और आप अभी तक क्वेश्चन नंबर 160 165 में फंसे रह जाओगे। फिजिक्स पहले करना है, कौन सा जो टॉपिक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कौन सा पहले करना है? फिजिक्स पहले करना है, केमिस्ट्री पहले करना है या बायोलॉजी पहले करना है? ये सब आपको कौन क्लियर करके देगा? घर पर प्रैक्टिस, जो मैंने कहा डेली 3 घंटे आप प्रैक्टिस को दो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, थ्योरेटिकली काफी स्ट्रांग हो, आपने काफी ज्यादा पढ़ाई कर रखी है बट न्यूमेरिकल्स नहीं बनाया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चल रहा, आपको पता नहीं चल रहा कैसे मैनेज करना है सारी चीजों को, तो फिर आप लैग करोगे। सो पी फॉर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी है। आप पेसरी ज्वाइन करो, ऑफलाइन बुक्स आती है, 30-40 टेस्ट होती है, उसमें वो कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोचिंग्स के, स्टडी मटेरियल्स के रिलेटेड, वहां से आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन जो अवेलेबल है, सारी चीजें हैं। तो यार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एंड ऑफ डे आप लैग करोगे उन स्टूडेंट से जो कि यार थ्योरेटिकल थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं लेकिन प्रैक्टिस काफी ज्यादा है, उसमें से उनके 8-10 क्वेश्चन तो यार भिड़ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, उसी कंसेप्ट के मोल कंसेप्ट वाले कोई क्वेश्चन भिड़ जाएंगे आपको। कई बार आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, हर 2-3 साल फिर रिपीट कर देता है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं या फिर उसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। डाइशियस को लेके, मोनोइशियस को लेके घुमा फिरा करा जाता है, एंजियोस्पर्म या फिर फंगल फंगाई से लेकर के फंगस का कोई टॉपिक हो गया या फिर आर्कियोबैक्टीरिया, किसी भी टॉपिक से मैं बात करूं ब्रॉड टर्म्स में, तो घुमा फिरा कर कभी उसका एग्जाम्पल आ गया, कभी उसका फीचर्स को लेकर के एमसीक्यू आ गया, तो घुमा फिरा कर रहता। तो अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा, आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर किए रहोगे अपने आप को एग्जाम से पहले, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको टाइम पता चलेगा मैं कितने देर में कंप्लीट कर पा रहा हूं, क्या मेरे क्वेश्चंस छूट तो नहीं जा रहे, अगर छूट जा रहे हैं तो मुझे कितना फास्ट और करने की जरूरत है, कितना मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, क्या मैं पहले बायोलॉजी करूं फिर फिजिक्स करूं तब केमिस्ट्री करूं या फिर मैं कौन से चीजों को करूं। वो सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें, जितनी भी एक्सपेरिमेंटल चीजें है ना, वो आप एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स आप घर पे कर सकते हो, नॉट इन द एग्जाम हॉल। सो W क्लियर, A क्लियर, B क्लियर और P भी क्लियर हो गया, तो वेब P क्लियर हो चुका है, A T बचा हुआ है भाई, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहां तक किसी को इश्यू होगा यार कमेंट करके मुझे बता देना कि नहीं यार समझ में आ रहा है सर आप क्या बता रहे हो, तो मैं बिल्कुल से आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा यार आपके समझने के लिए, बिकॉज द मेन मोटिव इज है टू मेक यू जस्ट अंडरस्टैंड, राइट। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मुझे हेल्प करने वाला, ये आपको हेल्प करेगा। बस ध्यान आपको यह रखना है कि आपको देखकर चलना है कि एग्जैक्टली आपको इनमें से क्या चीजों में आप लैग कर रहे हो, चेक मार्क्स बनाना है आपको, क्या ये चीजें आप क्लियर कर रहे हो, तो एक टिक मारो, यस ए क्लियर है, बी क्लियर है, मेरा बी क्लियर है, अच्छा ए में इशू है, मतलब क्या है, कहां इशू आपका आ रहा है, कहां लैग कर रहे हो, उन चीजों को क्लियर करो और फिर बेस्ट हो जाएगा आपका। अब आते हैं बच्चों ए पर, वेब पी, अब ये वाला जो ए है ना ये स्टैंड करता है एक्यूरेसी पे। बहुत लोग आपको ये चीज नहीं बोलेंगे स्पेशली, राइट, इस तरीके से, बट मैंने एक एक पॉइंट ऐसा लिया ना जो आपको डिपेंड करता है आपके नीट के लिए 650 में डिसाइडिंग होगा। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है ना सर, कोई बच्चा एग्जाम के अंदर, सुनो ध्यान से सुनो, 160 क्वेश्चन बना करके आता है, बच्चा ए 160 बना के आता है और बी जो कैंडिडेट है 150 क्वेश्चंस बना करके आता है, ठीक है, इसमें से 160 में से इसके 130 करेक्ट होते हैं, ठीक है, 30 रॉन्ग, और इस 150 में से इसके 145 करेक्ट हैं और सिर्फ 5 रॉन्ग करके ये बंदा एग्जाम में आता है। अब बताओ ये 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला या 150 करने वाला कौन सा बेटर होगा? ऑब्वियस 150 वाला, क्यों? क्योंकि 130 ही करेक्ट करके आया है भाई, जस्ट 130, एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिल रहे हैं? 4 नंबर मिल रहे हैं, 430, 520 ना, मतलब कि टोटल 520 इसको मार्क्स आया और उसमें से माइनस 30 हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल किस जगह पे ये लाई करेगा दोस्तों,
490 एट द एंड ऑफ द इतनी मेहनत करने के बाद 160 क्वेश्चन सॉल्व करके आने के बाद अटेम्प्ट करने के बाद स्टिल ही इज ऑन 490 मार्क्स. और सेकेंड वाला बी स्टूडेंट जो है, ध्यान से देखो, बी नंबर का स्टूडेंट उसने सिर्फ 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 145 वो सही कर चुका है. कितना क्वेश्चन सही कर चुका है? 145. और मात्र सिर्फ 5 गलत किया है उस बच्चे ने, तो उसको कितने नंबर आ गए? देखो 140 क्वेश्चन सही है, 140 इनटू 4 कर दोगे डायरेक्टली बिना किसी टेंशन के आपको वहां मिल जाएगा 560 और 5 क्वेश्चन और है बच्चों तो 20, 580 और उसमें से 5 गलत है मतलब 575, 580 माइनस 5 मतलब फाइनल 575 मार्क. अब बताओ हु विंस द मैच, हु विंस द मैच ओवर हियर? एक बच्चे ने 160 क्वेश्चन किया और मात्र उसको 490 नंबर आया, दूसरे बच्चे ने 150 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन उसको नंबर 575 आया और इसको झारखंड स्टेट बोर्ड में कॉलेज मिल गया डीएमसीएस धनबाद. अब बताओ कौन सा स्टूडेंट ज्यादा बेहतर हुआ, क्या ज्यादा क्वेश्चन करके आने वाला या कम क्वेश्चन करके आना? ऑफ कोर्स कम क्वेश्चन करके आने वाला, क्योंकि यहां पर गेम कौन खेल गया? एक्यूरेसी. यहां पर गेम किसका हो गया बच्चों? एक्यूरेसी का. इसीलिए कहा जाता है कि आपको रॉन्ग अटेम्प्ट्स गलत आंसर्स ज्यादा नहीं करने हैं, आपको एक्यूरेट रहना है, आपको एक्यूरेसी पर खासा ध्यान देना है. यार आपको एक्यूरेसी पर खासा ध्यान देना है, ये देख सकते हो आप कितना बड़ा रोल प्ले करता है. लाइव एग्जांपल आपको मैंने बताया यहां पर, लाइव एग्जांपल, कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कुछ अलग आपको मैं बता रहा हूं, लाइव एग्जांपल के साथ आपको मैं दिखा रहा हूं. आप देख सकते हो कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपका एक्यूरेसी का पार्ट. सो ये जो ए है ना हमारा वेब पैड का जो 5 नंबर पे हमारा ए है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपने अपना वीकनेस देख लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने स्टडी मटेरियल सेलेक्ट सही किया, प्रैक्टिस भी काफी किया, लेकिन एग्जाम में गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आ गए. अच्छा नॉलेज, अच्छी तैयारी, अच्छे नियत के साथ भी एग्जाम दोगे, फिर भी यहां पर क्या हो गया, आपने पीछे, आप रैंक में पीछे चले गए और इस बच्चे का स्कोर देखो ज्यादा आ गया, जबकि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा था, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, बट स्टिल रेस कौन जीतेगा? बच्चा नंबर बी. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. यार आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एक्यूरेसी. तो नीट एग्जाम में बच्चों ये 5 चीजों के बाद छठे पे आते हैं, लेकिन ये 5 चीज आई होप आप समझ चुके होंगे. एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा क्यों इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हियर कम्स द रोल ऑफ टी एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट. अगर आप सब कुछ कर लेते हो बच्चे, ठीक है, अगर आप सब कुछ कर लेते हो लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, अगर आप अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपरली यूज नहीं करते हो, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपकी जितनी मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी. तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हम बात करें एग्जाम के दिन, ठीक है, एग्जाम डे की बात करें, या फिर प्रिपरेशन की बात करें, या फिर प्रिपरेशन के अलावा आपके डे टू डे लाइफ की बात करें. क्योंकि देखो यार, पर डे आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट बतलाएगा. ठीक है, एग्जाम के दिन आपको कौन सा टॉपिक पहले कंप्लीट करना है, क्या बाद में करना है, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, लेकिन वहां पर भी आपको ध्यान किस चीज का देना होगा, टाइम का. एक क्वेश्चन में आपने 10 मिनट लगा दिया, बाकी के आने वाले 10 क्वेश्चन आपके उसके चक्कर में छूट जाएंगे, तो वहां पर आपका जिम्मेवार कौन होगा? टाइम. टाइम मैनेजमेंट करना आपको सीखना है एग्जाम के दिन भी, तैयारी करते वक्त भी, और आम पर डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी. क्योंकि जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे ना, तो आप ये 2 मंथ प्लान, क्या आप 5 डे स्ट्रेटजी भी खुद बना सकते हो. ओवरऑल बच्चों मेरा यही कहना था, वेब पैड टेक्निक से अपनी वीकनेस को फाइंड करो, अपने जो एग्जाम आ रही है उसको एनालाइज करो, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा बी, जो स्टडी मटेरियल बुक्स को काफी वाइजली सेलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद वेब हमारा क्लियर हो गया, WAB. अब आते हैं अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, जब हमने तैयारी कर ली, एनालिसिस कर लिया,
बुक सेलेक्ट कर लिया, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, टेस्ट सीरीज की जरूरत है, हमें एक अच्छे से प्रॉपरली टेस्ट देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद हमें एक्यूरेसी उस प्रैक्टिस में निकालनी होगी, क्या हमें एक्यूरेसी है, क्या हम पढ़ रहे हैं लेकिन क्या हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारा एक्यूरेसी रेट क्या है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पे क्या मेरा 8 सही होता है कि 5 सही होता है, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं एक चैप्टर का, उसमें से मैं 80 सही कर रहा हूं 20 गलत, मतलब 80% इज योर एक्यूरेसी रेट, राइट। अगर आप 60 सही कर रहे हो तो 60% इज योर एक्यूरेसी रेट, अगर आप 95 सही कर रहे हो तो 95% इज योर एक्यूरेसी रेट, तो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड इंक्रीज द एक्यूरेसी रेट, ये होगा नेगेटिव मार्किंग कम से कम करने पे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कम्स टी, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, यूज द टाइम वाइजली प्रॉपरली टू मैक्सिमाइज योर आउटकम, राइट, ताकि आपको जो एग्जाम में आउटकम निकले ना भाई, जो आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स है ना, जो आपको पढ़ना है ना, उस प्रॉपर चीज को दो। टाइम मैनेजमेंट में एक और चीज मैं आपको बता दूं यार, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, अब मान लो कोई चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता नहीं भी है, तो थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के वो दो दिन तक रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेरे भाई थर्मोडायनेमिक्स कर लो, 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको बंद करके मिल जाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कर लो ना, 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप रिडॉक्स कर रहे हो, आप सॉलिड स्टेट कर रहे हो, पहले जो इंपॉर्टेंट है वो करो, जो वीक हो आप जिसमें कमांड नहीं है वो करो। अब एक चैप्टर आपका काफी अच्छा सॉल्यूशन, आपको बहुत कमांड है, न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा मजा आता है, सारे क्वेश्चन बन जाते, तो आप 2-3 दिन तक आप सॉल्यूशन ही चैप्टर बना रहे हो, सारे क्वेश्चन बना दिए इस बुक से, इस वेबसाइट से, उस वेबसाइट से, फायदा क्या, एंड ऑफ डे फायदा क्या, मार्क्स तो आपको 1 या 2 ही दिलाएगा, 1 या 2 ही क्वेश्चन सही कराएगा सॉल्यूशन चैप्टर, बट रेस्ट टॉपिक 8 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे उस सॉल्यूशन के चक्कर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई होप आपको सारी चीजें इस वीडियो में जो मैंने बताई समझ में आई होंगी, अगर वीडियो पसंद आया हो यार तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके बताना यार आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला कि नहीं, और सपोर्ट करते रहो, शेयर कर दो वीडियो को, काफी मेहनत काफी दिल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं गाइस, आई होप आपको पसंद आएगी एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, स्टिल डाउट है, तो आप जाकर के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप हमारी टीम को वहां से, तो ntexamplus.com पर जाओ, नीट कैटेगरी सेलेक्ट करो और वहां से आप डिटेल्स को कंगाल सकते हो, और अगर कोई भी स्टिल डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, टिल देन कीप वॉचिंग, चैनल पर सारी वीडियोस हैं, हाउ टू फिल से लेकर के नीट के कोर्स को लेकर के जो क्वेरीज है सारी चीजें आपको बताई गई हैं वहां पर बारीकी से। ऑल द बेस्ट, नीट 2021 में आप सब सफल हो यही कामना करता हूं, मिलते हैं नए किसी वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।